अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम एक्सरसाइज नंबर 13 पेज नंबर 24, ये हमारा 13 ऑफ जुलाई का वर्क था जो हमने क्लास में किया था। मैं यहाँ आज आपको रिव्यू दे रही हूँ अगेन, बुक पेज नंबर 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बोर्डिंग स्कूल हैज़ 850 स्टूडेंट्स। बोर्डिंग स्कूल के पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 850। वट इज़ द टोटल फी कलेक्टेड? उन्होंने उन बच्चों की कितनी फीस ली होगी एनुअली बाय द स्कूल? स्कूल वालों ने उन स्टूडेंट्स की एनुअली फीस कितनी ली होगी? अगर फीस का अमाउंट है 250,500, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात समझाई थी कि बेटा क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड कर लिया करें, देन आपको समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। सो फिर से, अ बोर्डिंग स्कूल हैज़ 850 स्टूडेंट्स। बोर्डिंग स्कूल के पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 850। आपको बताना है कि उन्होंने टोटल फीस इन स्टूडेंट्स की कितनी कलेक्ट की होगी। अगर उनका फ़ी अमाउंट है 250,500, ठीक है। सो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 850 स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स की फ़ी कलेक्शन बतानी है। तो आपको मैं इतना बता दूँ, जब हम बहुत सारी चीज़ की वैल्यूज़ मालूम कर रहे होते हैं, सो यहाँ हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी भी एक चीज़ की वैल्यू मालूम करते हैं, सो हम यहाँ पर डिवाइड यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, डेटा बनाना है। आप क्वेश्चन को रीड दोबारा से मत नोट डाउन कीजिए, जस्ट डेटा की हेडिंग पुट कीजिए। आंसर नंबर 1 डेटा हमारा था, मैं आपको कहा था, आप यहीं से देख लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 850 है। फिर आपको कहा था फीस अमाउंट कितना है उनका एनुअल फी, इज रुपीज 250,500। हमें मालूम क्या करनी है, अब आप यहाँ चाहें तो वट इज़ अ टोटल फी कलेक्शन लिख सकते हैं, टोटल फी कलेक्शन लिख सकते हैं, या टोटल फी कलेक्टेड लिख सकते हैं, टोटल फी कलेक्टेड हमें ये मालूम करना है, सो क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम वर्किंग करेंगे, तो यहाँ आप वर्किंग की हेडिंग डाल दीजिएगा। आपके पास आपकी कॉपी होगी, बड़ा स्पेस होगा जिससे हमने ड्यूरिंग द क्लास वर्क किया था, बट मेरे पास ये थोड़ा सा पेज छोटा है, सो मैं यहाँ पर लाइन स्किप नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हमेशा सेंटर से स्टार्ट किए जाते हैं, क्योंकि इनका आंसर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा होता है, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ लाइन हो जाएगा, इसलिए आप सेंटर यूज़ कीजिएगा। और एक एक कॉलम में आप नंबर लिखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं थोड़ा स्पेस पे नंबर लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो ये हमारी फीस कलेक्शन है, ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मल्टीप्लाई के साइन थोड़ी सी काम को भी साथ साथ अच्छा करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, 0000, 0000, 0500। नंबर के नीचे डिजिट के नीचे बड़ा डिजिट होना चाहिए, सो 0000, 0500, 0200। देन सेकेंड वैल्यू, सो यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन के साइन यूज़ करनी है, 5000, 5000, 25, 5 5 2 per carry, सो 5000 + 2, 5 5 = 25, 5 2 = 10 + 2 = 12, ठीक है बेटा। ये आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप 8 से करेंगे। सो जब आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड की तरफ मूव करते हैं, सो आप यूज़ करते हैं 1 मल्टीप्लिकेशन साइन। अब आप थर्ड नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं, सो यूज़ 2 मल्टीप्लिकेशन साइन। सो 8000, 8 0000, 8 5 40 कैरी। ऊपर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही कैरी में, तो आप पहले वाली कैरी को रिमूव कर सकते हैं।
सो 8 5s are 40, 8 0s are 0 प्लस 4, 8 5s are again 40, 8 2s are 16 प्लस 4 20। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ प्लस करते हैं 0 0 5 2 9 2 1 and 2। अगर आप कॉमास पुट कर लेंगे तो आपको वैल्यूज को पढ़ने में आसानी जाएगी, यानी कि 200 million 12 million 925 thousand, इतनी आपके स्कूल के पास इन सारे स्टूडेंट्स की क्या कलेक्ट हुई है, फीस कलेक्ट हुई है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लास्ट में आपके पास हेडिंग आएगी रिजल्ट की, अब आप चाहें तो लिख सकते हैं टोटल फी कलेक्टेड इज रुपीज 200 million एंड 12 million 925 thousand। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम हो गया है। देन इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। आप मोटरसाइकिल कॉस्ट रुपीज़, एक मोटरसाइकिल की जो कॉस्ट है वो है 35,950। अब डीलर ने जो सेल आउट कर लिए फॉर डीलर सेल्स 7,651 मोटरसाइकिल्स, अगर उसने इतनी सेल आउट कर दी हैं, फाइन हिज टोटल सेल्स, उसकी कितनी सेल आउट हुई होगी इन अमाउंट। ठीक है, एक बाइक की वैल्यू कॉस्ट है 35,950 और डीलर ने भेज दिए हैं 7,651, सो टोटल सेल्स बतानी है। अब आपको पता ना, एक की वैल्यू दी हुई है, आपको बहुत सारी की मालूम करनी है कि उसने जो बेची हैं उन सब की सेल्स कितनी हुई होगी। सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अगेन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ हम दोबारा से आपको क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, आप अगेन यहाँ पर जस्ट डेट पुट करके, डेट लिख कर आप अगेन यहाँ से डेटा शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 13, 7, 2000 एंड ये क्लास वर्क था हमारा, एक्सरसाइज यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब वही हम डेटा बनाएंगे जो आपने ये ड्यूरिंग द क्लास बताया हुआ था। अब मोटरसाइकिल कॉस्ट $35,950, डीलर सेल्स 35,950, तो आपने यहाँ पे लिख दिया था टोटल सेल्स। अगेन हम वर्किंग करेंगे, आपके पास स्पेस है तो आप लाइन स्किप करके कीजिएगा अगेन। ठीक है, सो वही सेंटर में आप यूज़ करेंगे 35,950 मल्टीप्लाई बाय 7,651। ओके, क्रॉस यहाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी क्रॉस दूर से लगाना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। 10s are 0, 15s are 5, 19s are 9, 15s are 5, 13s are 3। हम 7 से स्टार्ट कर देते हैं, मेरे यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो मैंने रेस कर दिया है। यहाँ पे आप थर्ड क्रॉस लगाइएगा, देन 7 5s are 7 0s are 0, 7 5s are 35, 5 यहाँ 3 ऊपर कैरी, 7 9s are 63 प्लस 3 66, 6 ऊपर कैरी, 7 5s are 35 और प्लस 6 41, 4 ऊपर कैरी, 7 3s are 21 प्लस 4 25। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो गया है। अब एंड में हम प्लस कर देंगे,
11 6 5 11 11 plus 7 18 plus 2 20 5 7 2. सो यहाँ हमने इनकी टोटल कॉस्ट बताई, कॉमास पुट कर देते हैं यहाँ पर. सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इनकी, 200,075,053,450. सो आप यहाँ पे डेटा में लिख सकते हैं, ठीक है. आप यहाँ पे डेटा में रिजल्ट में यही लिख सकते हैं, टोटल सेल इज रुपीस 200,075,053,450 rupees. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे दो क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉब्लम के हो गए. इस तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, और ड्यूरिंग द क्लास भी आपको समझाए गए हैं और होमवर्क भी दिए गए हैं. इंशाल्लाह फर्दर क्लास में फिर आपसे ही बाकी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे. अल्लाह हाफिज़.